ये एक मैदान जंग है दोस्तों, ये मैदान जंग है। ये जंग एक ऐसी जंग है जिसमें विचार है, सत्य है जो छिपा हुआ है और आप तक नहीं पहुंच पाया। ये प्रयास है जिसे हम सरल भाषा में बोलते हैं मैदान जंग। इस टाइप के प्रोग्राम हम आपके सामने लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज हम राजस्थान की भूमि में मौजूद है वीर योद्धाओं के साथ। क्या बोलेंगे आप सर? ये जो षड्यंत्र है बापू जी ने, जिसको जीवन पर्यंत ईसाई मशीनरी के खिलाफ, धर्मांतर के खिलाफ लगाया है और विदेश से करोड़ों रुपए आकर के इन मीडिया को दिया जा रहा है, ये मीडिया खरीदा हुआ है, तमाम मीडिया को ईसाई मशीनरी के द्वारा पैसा दिया गया है, झूठे षड्यंत्र के अंदर बापू जी को अंदर रखा हुआ है। तहलका के संपादक यही दाया, यही मुकदमा एक महीने में बेल, मध्य प्रदेश के न्यायाधीश यही दाया, यही मुकदमा एक महीने बेल, ऐसे अनेक उदाहरण है हिंदुस्तान के अंदर जिनको एक या दो महीने में बेल मिल गई। हमारे बापू को ईसाई मशीनरी के पैसे के द्वारा भी देके कुप्रचार के द्वारा अंदर रखा जा रहा है और इसका परिणाम आने वाले टाइम में पूरे हिंदू समाज में पड़ेगा। ये गवर्नमेंट आने वाले टाइम में हिंदू समाज के अनेक संतों को, अनेक अच्छा लोगों को टारगेट करेगी और इसी प्रकार के आते देगी। हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए। ये पर्दे के पीछे जो खेल होता है वो पर्दे के पीछे रहता है, पर सबूत तो जुटाना संभव नहीं है। परंतु सीधा सीधा बापू जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है वो सारे साधुओं को, सारी दुनिया को पता है, मीडिया का बनाया हुआ खेल है और सारा मीडिया विदेश गवर्न है और विदेशों के अंदर सारी स्थिति सामने आई है। और जहां तक हमारा मानवाधिकार की बात करते हैं तो मानवाधिकार खेतों के लिए भी कानून ने बनाया है। हर 5 वर्ष के अंदर 20 वर्ष के पेरोल का कानून में प्रावधान है, पर बापू जी को आज 5 वर्ष से अधिक जेल में हो गए, इसके बावजूद भी हमें आज तक बापू जी को 5-20 दिन की बेल ग्रांट नहीं हुई। आपने तो आपने जब कहा न्यायालय की बात, जब बापू जी जब कोविड में जेल के अंदर थे उस समय उनकी जब एप्लीकेशन लगी हुई थी, दोनों जज जिस वजह एक जज जज साहब के रिश्तेदार ने हमारी बात की तो उन्होंने कहा कि जज साहब पॉजिटिव है और बेल ग्रांट करेंगे। और कोर्ट ने भी अपने इतिहास के अंदर ये शब्द कहे कि अभी वो बापू जी कोविड में है, उनको थोड़ा दिन अंदर ही रहने दो, अगली तारीख को भी फैसला देंगे। वकील साहब जी, वही बात जो आपने शुरू में बोली वही बात को अंदर दोहराया। दोस्तों एक बात हम और आपको बता दें, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरे से बहुत सारे लोग सवाल किया करते हैं, सवाल ये किया करते हैं कि आप कोर्ट के ऊपर ही आक्षेप लगाते हो, सरकारों के ऊपर आक्षेप लगाते हो, बस जो घर के लोग जो केस देख रहे हैं उन पर आरोप क्यों नहीं लगाते। इन तमाम बातों में मैंने आपको कई चरण बताए होंगे, गलतियों का निर्वहन करना, गलतियों को किस एंगल से देखना, उन तमाम प्रकरण में सवाल जवाब उठते हैं और सवाल जवाब करना चाहिए क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सवाल जवाब की नीति रही है। लेकिन एक मैं सबसे अहम सवाल मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज हमारा भारत एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गया है, एक ऐसे चरण में प्रवेश करा दिया गया है कि अब शायद ऐसा लगता है कि ये कोर्ट कचहरी भी कुछ समय के बाद मात्र एक टाइटल रह जाएगी, इस देश का संविधान भी कुछ समय के बाद एक टाइटल रह जाएगा
क्योंकि इस देश में एक नई लहर आने वाली है जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। इसका भेद मैं आपको आने वाले कुछ एपिसोडों में सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि शेर का सवा शेर आता है। भ्रष्टाचार नीतियों ने जो भ्रष्टाचार किया, तमाम लोगों ने जो देखा संत आसाराम जी बापू का प्रकरण, एक निर्दोष संत को किस तरीके से सताया जा रहा है, इस चरण को भारत के सभी नागरिक देख रहे हैं और जो आतताई ताकतें षड्यंत्र कर रही है वो भी देख रही है, लेकिन वो ताकतें अब इतनी प्रबल हो गई है कि अब वो नए रूप में आपके सामने उभरेगी। और जो ये न्याय प्रणाली है जिस पर आप लोग मेरे से कभी कभी सवाल करते हैं कि आप इनको ही दोषी क्यों ठहराते हैं, इसका ही भंडाफोड़ होगा। और जो न्याय प्रणाली के चरण पर सोच रहे हैं, मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ, मैदान जंग में मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं ना कि इस देश की न्याय प्रणाली दूध की धोई हुई है और दूध की धोई न्याय प्रणाली से हम गंगा जल प्राप्त करके संत आसाराम जी बापू को बाहर ला के रख देंगे, बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं जनाब, बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं। देश 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है और इस देश के नेता लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सपने दिखाने लगे हैं। षड्यंत्रकारी ताकतें स्वाभिमानी संतों को, स्वाभिमानी व्यक्तियों को चाहती ही नहीं है कि वो इस देश में जीवित बचे। इसके बाद हमारा सवाल एक सोशल एक्टिविटिस्ट, यहाँ पर हमारे साथ कृषि विभाग में जो कृषि कलेक्टर साहब है वो मौजूद है हमारे साथ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जब भी आप एक समाज सेवी संस्था से बिलोंग भी करते हैं, कई संतों को आपने देखा होगा जी, बापू की तरह जी, तो आपको इस तमाम प्रकरण को आपने जो मेरी आवाज दिया आपने आज सुनी जी, अब आपको क्या लगता है संत आसाराम जी बापू के लिए अब क्या होना चाहिए और सेंगल को क्या देखते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले मैं इसको बड़ी जन्म सवाल को हर सवाल को बार-बार रिपीट हो रहा है, उसके बारे में मैं मेरा मतलब जाहिर करना चाहूंगा कि जितने भी हिंदूवादी संगठन है आरटीज है वो बापू की शक्ति में आज क्यों नहीं आ रहा। मेरा मत ये है कि तमाम सारे कारणों में से एक प्रमुख कारण ये भी है कि मानवीय स्वभाव है कि एक कोई व्यक्ति चाहे सगा भाई हो वो अगर किसी भी मामले में ग्रोथ करता है वो बढ़ता है तो उसका छोटा भाई भी उससे द्वेष करने लगता है। बापू जी की जो कीर्ति है, बापू जी का जो उत्कर्ष है वो उसके लिए आसमान की ऊंचाई भी कम है। एक भ्रम गति है नास्ति तब से तुलना किए जाए थे, उनसे बापू जी से तुलना करने योग्य कोई भी नहीं है। जहां भी मंचों पे हिंदूवादी संगठनों के हो संतों के हो बापू जी को हमेशा पूजित होते हुए देखा है, लाखों की संख्या में उनके दीक्षित होने वाले शिष्यों की संख्या होती है, उससे हर मन मन में ये द्वेष है कि ये व्यक्ति क्या है और इतनी ख्याति उनको कैसे मिली हुई है। इसकी वजह से हर पार्टी हर संगठन हर संत मन पीड़ित है कि इनको इतनी ख्याति क्यों मिली हुई है, इनके शिष्य इतने क्यों हैं, इतनी दीक्षा के लिए इनके शिष्य क्यों आते हैं। तो ये जो एक स्वाभाविक मन का क्रम है उसकी वजह से ये लोग आज ये मान के चलते हैं कि आज आया हूं पहाड़ के नीचे। सर हम कभी कभी सोचते हैं कि तमाम चीजों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं जी, तो आपने संवेदना व्यक्त की है, ये प्रयास नहीं है भारत में उन तक लोगों को सुनाने के लिए क्योंकि उनकी आवाज बैरी हो चुकी है जी, शायद को टारगेट लेके बैठे हुए। चन्ना राम जी ने बात बोली थी कि संगठन की जिस तरीके से बात हुई दोस्तों, मैं यहाँ पर एक प्रकरण आपको बता दूं कि संगठन की मांग क्यों हुई, चन्ना राम जी के मन में ख्याल क्यों आया, आज राजस्थान के तमाम बीजेपी नेता आज एक मंच में क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों इन तमाम बातों का डिस्कशन कर रहे हैं, इतने बड़े जनसैलाब होने के बावजूद भी वो आज भी संगठन को क्यों खोज रहे हैं। दोस्तों जब तोड़ने का चरण आता है, पिछले सन 2006 के प्रकरण से देखते हैं, संत आसाराम जी बापू को सिस्टमेटिक तरीके से उनके तमाम लोगों को तोड़ा गया, उनके ऊपर चरित्रहीन आरोप लगाए गए, उनके गुरुकुलों में उनके तमाम काला जादू वगैरह सब दिखा दिखे, जिस तरीके से समाज को तोड़ा गया, आज इस नौबत मिलाकर खड़ा किया गया है टारगेट को लेकर कि आज बहुत सारे लोग अपने आप में एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदुत्ववादी लोग आखिर कहां तक, जो लोग अपने आप को संगठनवादी समझते हैं वो लोग कहां तक, देश के नेता कहां तक और चैनलें कहां तक, यहां तक क्योंकि आज संत आसाराम जी बापू का साथ देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि संत आसाराम जी बापू सत्य का वो पहलू है जिसने समाज को बहुत बड़ा आईना दिखाया है और ये लोग आज सत्य के साथ खड़े होने से इनकार कर रहे हैं। आज जो आपने बात की संगठन की, तो जो लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं,
उनको एकजुट होकर तमाम प्रयास करने चाहिए। फिर वो चाहे प्रयास ऐसा हो कि आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं, ओसामा बिन लादेन की। अमेरिका ने उसे तैयार किया जासूस पैनल में, फिर जाकर उन्हें बैठाया दूसरे राज्य में और फिर देखा कि ये इस राज्य का भक्त हो गया है, उसको खत्म कर दिया गया। ऐसा पैनल चलता है, ये जासूसों को बैठाते हैं, उन्हीं के लोग रहते हैं, जब वो उस तरीके से काम करते हैं, जब वो देखते हैं कि स्वाभिमानी बन गया तो खत्म कर दिया जाता है। आज इस देश में जितने भी तथाकथित स्वाभिमानी दिख रहे हैं आपको, वो मात्र एक टाइटल लेकर एक मिशन के तौर पर दूसरों के लिए काम करने के लिए वो उतारू है। उसमें भी हम बहुत सारे एपिसोड बनाएंगे दोस्तों, तमाम चेहरों को स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक सच है, संगठन की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता। फिर से आपके पास सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ चन्ना राम जी, क्या बोलेंगे आप, क्यों संगठन की आवश्यकता है? संगठन की आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि बार बार जो बापू के जो परिवार है, बापू का जो परिवार है, जो भक्त परिवार है, उस पर कभी मशीनरी द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी जैसे आपने अभी बताया गुरुकुल के बच्चों के ऊपर, तो ये सब इनको सबसे लड़ने के लिए। और ऐसे मत समझना कि बापू के भक्त हार जाएंगे और मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं, हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है। कई बार ऐसे कई बार धर्म के अधर्मियों ने अपनी विजय पाने के लिए कोशिश की, लेकिन कभी भी विजय नहीं हुए। आप गीता में पढ़ा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतम्। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इस संगठन की क्या भूमिका रहेगी, क्या उद्देश्य रहेगा? दिक्कत ये है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कि अब काफी लोग सोचेंगे कि पता नहीं चन्ना राम जी कौन सा फूल खिला रहे हैं, चन्ना राम जी कौन सा फूल खिला रहे हैं, पता नहीं कौन सा संगठन खड़ा करना चाहते हैं। काफी लोग तो ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं मरीजगंज के खिलाफ है, मरीज विपक्ष में है, या फिर ये अपना ही कुछ नया राग ला रहे हैं। न तो किसी मैनेजमेंट के खिलाफ है हम, न कोई जो खिलाफत करते हैं उनके खिलाफ है। हमारा तो संगठन फिर सिर्फ पूज्य बापू जी को बाहर लाना, कैसे अति शीघ्र गुरु जी हमारे गुरु हमारे देश चला रहे। हमें किसी कोई राजनीति से या राजनीतिक दल से किसी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो पूज्य बापू जी ही चाहिए, हमारे गुरु जी ही चाहिए। तो इस समय हमारे साथ कुछ सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको भी एक मौका देना चाहता हूँ, उनकी अपनी बात रखें। यहाँ पर सवाल सबसे अहम ये है कि जिस तरीके चन्ना राम जी ने बोला कि उनको राजनीति भी सपोर्ट नहीं चाहिए, उनको देश की स्ट्रीम मीडिया है और लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा पक्ष मैंने बताया कि इनका सपोर्ट मिलने वाला भी नहीं, तो आपको अब क्या लगता है कैसे आप संगठन को विजय की ओर ले जाएंगे, क्या करेंगे बापू जी के लिए, क्या और आपके पास ऑप्शन है? मैं ये बात कहना चाहता हूँ भारत सरकार से और जो भारत की प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने ऐसे झंडगानी संत को आपको पता है ना, कुछ बात है ना, कुछ बात है कि कोई मतलब कोई FIR में जो है वो कहीं भी रेप शब्द है नहीं, लड़के ने सिर्फ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, उसी में आपने तमाम बातों से ऊपर उठ जाइए, इन तमाम बातों से ऊपर उठ जाइए, ऊपर उठ जाइए, ऊपर बताइए। यही बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप देखो कि बापू जी ने जो है बच्चों के लिए, आप मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत में ऐसा कौन से शख्सियत है जिन्होंने बच्चों के लिए काम कर दिए? बापू जी ने बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोले हुए, बापू जी को उनकी जो अच्छी शिक्षा मिले, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसलिए बापू जी ने कई जिलों में जो है गुरुकुल खोले हुए हैं, है ना। और आप देखो युवाओं के लिए, आज देखो आप पूरे भारत भर में युवाओं के लिए सिर्फ बापू जी ऐसा है जिन्होंने भी युवा सेवा संघ खड़ा किया है। आज आप कैमरा आप इधर घुमाइए, युवा सेवा संघ ये बच्चे देखो, नौजवान बच्चे हैं, आज ये कितने मतलब संस्कारों की ओर बढ़ रहे हैं, और भारत इनमें कैसे देशभक्ति जागृत बापू जी ने कर रखी है, कैसे ये सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आप इन्हीं की उम्र के दूसरे बच्चे देखोगे आज जो है वो कोई फिल्म देख रहा है, कोई क्रिकेट मैच देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये बापू जी जो है ना, जो हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल जिन्होंने बनाया, बापू जी ने बनाया है। आज आप देखो कि हमारी बच्चों के अंदर जो है मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को जो नया दिवस है पूरे संसार में जिसने शुरू किया है, परम पूज्य सर श्री आजाद जी का शुरू किया है। जो चरण चले, क्योंकि समय बहुत धरती हो गया है, काफी लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए तो क्या लगता है तमाम बातों का, क्योंकि हमने विश्लेषण बहुत किया है, लगभग 8 साल से कई नौकरी सच्चे पैमाने में काम करना चाहिए, विश्लेषण
तो अब आपको क्या लगता है कि संगठन की आवश्यकता है? किस तरीके से संगठन काम करे तो एक सफल प्रयासों की तरफ। 2020 में बापूजी को कोर्ट ने पैरोल दी थी, एक महीने की पैरोल सेंक्शन हुई थी। सेंक्शन होके जोधपुर कलेक्टर ने वहां से कोर्ट में लिखा, टॉप कलेक्टर बापू से पूछा कि आप कहाँ रुकेंगे, बोले मैं निवाई गौशाला में रहना चाहूंगा। पूछा पर ऑर्डर था, तो प्रशासन के उस ऑर्डर को लेके हम यहाँ आए। मैं खुद था, मेरे साथ मेरे दो मित्र थे, यहाँ आए और पूछा उनसे, प्रशासन को लेटर दिया, प्रशासन ने हम आपको दो दिन में जवाब देंगे। तो टॉप के प्रशासन ने नेताओं को कुल मिला के सरकार का कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट होता, अभी एग्जाम डेट साहब पुरानी बात है। तो उस दिन इनको प्रशासन ने नेताओं को पूछताछ के कहा, जो कहा वो बहुत अजीब था कि निवाई गौशाला हाईवे पे है और यहाँ जो बापू के करोड़ों शिष्य है, करोड़ों शिष्य उनको पता थे वो इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर के बैठे हैं पिछले 8-10 महीने से, वो तो कंट्रोल कर रहे हैं। और इनको साधकों को इनको कोई हथियार नहीं था, सब शांति प्रिय है, उनको हमारी सरकार की पॉलिटिकल अप्रोच ही नहीं मिली। पिछले 8 साल से चल रहा है, एक तो भी फेंकता है दूसरा कैच करता है, तो ये प्रकरणों में बड़ा ही एक नया खेल देखा जाता है। बिल्कुल, अब क्या लगता है आपको, अब क्या होगा? सरकारों को निश्चित रूप से, चाहे कोई भी सरकार हो, उनको पॉजिटिव होना चाहिए भारत देश के प्रति, क्योंकि नुकसान अकेले किसी एक संस्कृति का नहीं हो रहा, भारत देश का हमारा दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संत को जिसने सभी वर्गों के लिए काम किया, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और इस तरह की सेवाएं चालू कर रखी है, जहाँ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भोजन भी दे रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं, मालाएं भी कर रही है, उनका सबका दुख दूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की संस्कृति के लिए उस लेवल के जो सरकारों को ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि कोई भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, वो सोच नहीं रही इस बात को, और निश्चित रूप से उनको सोच के और बाकी को तुरंत रूप से प्रभाव से बाहर लाने के लिए बार बार जब ये बात होती है कि षड्यंत्र षड्यंत्र के लिए उस समय के मीडिया चैनल उठा के देख लो, अखबार देख लो, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक जी सिंगल ने 2008 में बापूजी को आगाह भी किया था ताकि मिशनरी जो है आपके ऊपर इस तरह का जो है ना महिलाओं से संबंधित आरोप लगा करके बिल्कुल बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही है कि आपने कितना पैसा लिया है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो पहलू है, जैसे कि जो कोर्ट कचहरी के पहलू जो जा रहे हैं संतासाराम जी बापू की तरफ, फिर एक सेवा कार्यों के पहलू जो जा रहे हैं, फिर कुछ लोग जो नए चरण में इस तमाम प्रकरण को लेके जाना चाहते हैं वो पहलू जो जा रहे हैं, ये तमाम पहलू एक एक उस दिशा की ओर जा रहे हैं जो आज तक होता रहा है, और वो तमाम पहलू सरल तरीके से चलते रहना चाहिए। कोर्ट में भी जो अर्जियां लग रही है उसमें भी जोर शोर से काम होना चाहिए, संगठन इन तमाम बातों में भी अच्छे से संज्ञान ले, इस देश के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको कैसे बटोरा जाए, उनको कैसे फीलिंग दिलाई जाए कि आप जो सोचते हैं और जो आप अच्छे पैमाने में काम करने की बातें करते हैं, आपको प्रकरण कहाँ चला गया। दूसरा, कोर्ट कचहरियों में जो चरण चल रहे हैं केस के, उसमें कैसे नवीनीकरण हो, कैसे अच्छे से काम हो, इन तमाम चरणों में भी काम होना चाहिए। दूसरा चरण जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए क्योंकि वो चरण आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन मैं इस चरण को आपके सामने सिस्टमेटिक तरीके से लाऊंगा। कुछ लोग मेरे से बोलना चाहते हैं कि आप इन तमाम बातों में लोगों को हिलगा रहे हैं, जैसे कि आप सारे मुद्दों से उठाकर, कोर्ट कचहरियों के मुद्दों से उठाकर, घर की लड़ाइयों के मुद्दों से उठाकर, सरकारों को गाली देने के मुद्दों से उठाकर एक नए मुद्दे की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा सच है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फिर पाप का घड़ा भी इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर एक पिसका रूप लेकर सबके साथ और सबके बीच मडराने लगता है। बस हम आपको उस नाग के बारे में, उस विषैले नाग के बारे में, वो नाग कैसे समय पर अपना विष उगलेगा और कैसे लोग उससे प्रभावित होंगे उसका एक दृष्टिकोण हम देना चाहते हैं। बाकी जो रास्ते जा रहे हैं, जो प्रयास जा रहे हैं, जैसे आपने जो प्रयास किया, वो सभी प्रयास हर माध्यम से होते रहना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। चन्नाराम जी, लोग बड़े सवाल करते हैं,
लोग मेरे से भी सवाल करते हैं कि आप लोगों का ध्यान भटका देते हैं, मतलब कोई और चल रहा होता है, जैसे कि कोई घर की लड़ाई चल रही है तो आप एक नया मुद्दा ले आए, मतलब आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए। जो आप बोलते हैं जी, आप बापू जी के बारे में बोलते, उनको लगता है कि कैसे लिए, लेकिन बापू जी के विरोध में जो बोलते हैं सरदार साहब, बापू के विरोध में जो मीडिया बोल रही है, उन्होंने कितने पैसे लिए, वो कभी पूछा है? जो जिसने कमेंट कर रहे हैं पूछ रहे हैं आपसे, वो उन्होंने कितना पैसा लिया है जो बापू जी के बारे में? हम तो सत्य के मारे पर है, सत्य की बात बता रहे हैं। मोदी जी मन की बात के द्वारा हमारी बातों को पूछना चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी महिलाएं जो बापू जी से दीक्षित हो, बापू जी के लिए सत्य बयान कर रही है, और जो सत्य सत्य ही है, उस सत्य को हमारे को स्वीकृति नहीं दी जा रही, हमारी बातों को हमारी कमेंट्स को पूछा जा रहा है। अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों से यही अनुरोध है कि हम सब जानते हैं कि अन्याय हो रहा है, और अन्याय को देखते रहना भी एक अन्याय का साथ देना है, अधर्म का साथ देना है, और अधर्म का परिणाम सभी को पता है, अधर्म का परिणाम विनाश होता है। तो इसलिए सभी से ये अनुरोध है कि इस जो अधर्म हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाएं, और बापू जी का जो प्रकरण है उसमें सभी एक सम्मिलित प्रयास करें, समिति और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन सभी सरकार से मांग रखें कि पूज्य बापू जी का जो केस है उसका जल्दी से जल्द निस्तारण करके और उसमें न्याय दिलाया जाए, और जो गलत अन्याय हो रहा है उस प्रकरण को पूरी जांच करा के उसका सही निर्णय लिया जाए।